उत्तराखंड के संथाल परगना में इन दिनों एक से एक बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे पूरे संथाल परगना में दहशत का माहौल बना हुआ है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि हेमंत की सरकार जब से सत्ता में आई है, तब से लेकर अब तक लगातार हो रही घटनाओं में कोई कमी क्यों नहीं दिख रही? क्या यही है झारखंड सरकार? ऐसे में अगर हम बात करें झारखंड के संथाल परगना की, तो बीते एक सप्ताह में लगभग आधा दर्जन से अधिक हत्या व बलात्कार का मामला प्रकाश में आ चुका है। हेमंत सरकार के राज में आम नागरिकों को दिन दहाड़े मौत के घाट उतारा जा रहा है और हेमंत सरकार इन आरोपियों पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही, जिससे शासन प्रशासन से बेखौफ अपराधी एक के बाद एक लगातार कई घटनाओं को खुलेआम अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर अपराधियों का अपराध पता होने पर भी चुप्पी साधे क्यों बैठी है हेमंत सरकार? यह सवाल हम नहीं, आज पूरा झारखंड राज्य पूछता है झारखंड सरकार से। जहां एक तरफ साहिबगंज में अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, तो वहीं दुमका रामगढ़ में पुलिस ने एक निर्दोष युवक को गिरफ्तार कर सरकार की पीठ थपथपाई है, जिसकी सूचना पर करीब दर्जन भर ग्रामीणों ने रामगढ़ थाना का घेराव कर पुलिस के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद संथाल परगना में सियासी माहौल गर्म हो गया है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन बाकी आरोपियों को सलाखों के पीछे कब पहुंचाती है। मैं उसमें एक जो व्यक्ति को हम लोग आज फॉरवर्ड कर रहे हैं और जिसमें कि उसकी संलिप्तता उस कांड में है, जिसमें कि उसकी माँ के द्वारा और चश्मदीद गवाहों के द्वारा वो बताया गया है कि इसमें सरकमस्टेंशियल एविडेंस भी मिला है और आज उस व्यक्ति को हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे। क्या नाम है उसका? वो पॉलुस एम्ब्रोम है और वहीं लोकल वहीं का रिहायशी एरिया। सर मेडिकल रिपोर्ट वगैरह कुछ आया है? मेडिकल आ गया है। क्या आया है सर उसमें? मेडिकल में दोनों हैं, एक तो एस्फिक्सिया ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन है और साथ साथ जो 376 का बिंदु पर भी इनके द्वारा डॉक्टर के द्वारा रिपोर्ट। इस संबंध में कोई खास मतलब कोई डायरेक्ट टिप्पणी नहीं है, लेकिन ये रेप के बारे में कुछ चर्चा की गई है। वो तो एस्पेशिया जो गला दबा करके, ये तो कोई चीज से गला दबा करके, तो उसमें लिगेचर मार्क भी है और रस्सी के द्वारा आइडेंटिफाई हुए हैं। वो अभी बोला है हम लोग उजागर उसको नहीं करेंगे अभी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन नहीं, इन्वेस्टिगेशन अभी स्टेज में है ना, इसीलिए हम लोग उसमें जो है कि वो ये हो जाएगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा।